कोलकाता में 9 अगस्त को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, जिसके बाद अब पूरे देश में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है। हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में सीएम बनर्जी से राज्य में रेप और यौन अपराधों सहित बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना करने और उनके संचालन में तेजी लाने के लिए कहा। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इससे पहले भी 25 अगस्त को सीएम बनर्जी को पत्र लिखा था, जिसका जवाब सीएम ने दिया था, जिसके बाद अब बाल विकास मंत्री ने सीएम के जवाब पर फिर एक बार 30 अगस्त को पत्र लिखा। 30 अगस्त को लिखे पत्र में मंत्री ने राज्य की मौजूदा फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर चिंता व्यक्त की और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो सुनिश्चित करें कि जघन्य अपराधों के पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में FTC केवल रेप और पोक्सो मामले के समर्पित होने के बजाय महिला, बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े अपराधों के निपटारे के लिए भी की जाती है। ये कोर्ट सिर्फ महिलाओं और बच्चों के संग हुए रेप और पोक्सो एक्ट के लिए नहीं होती, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सिर्फ यौन उत्पीड़न, रेप और पोक्सो एक्ट के लिए बनाया गया है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की न्याय प्रणाली में लंबित मामलों का जिक्र किया और कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 जून 2024 में 81,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबित पड़े मामलों में 48,600 केस पोक्सो और रेप से जुड़े हैं। इसके बावजूद भी राज्य ने 11 FTSC में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मुद्दे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि FTSC में ऐसे न्यायिक अधिकारियों को शामिल किया जाता है जो रेप और पोक्सो अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के मामले पर काम करते हैं। उन्हें कहा ऐसे पदों के लिए कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश में रेप जैसे अपराध से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें रेप के लिए न्यूनतम 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, जिसे अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास या यहां तक कि मृत्युदंड तक में बदला जा सकता है। उन्होंने ऐसे मामलों की समय पर जांच और सुनवाई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का भी जिक्र किया, जिसमें अपराध के 2 महीनों के भीतर अनिवार्य फॉरेंसिक जांच का प्रावधान शामिल है। अपने पत्र में अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता की निर्भया को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की मांग की और केंद्रीय कानून को पूरी तरह से लागू करने और मामले को उचित तरीके और जल्द से जल्द निपटाने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और भेदभाव से मुक्ति, एक सुरक्षित समाज बनाने के महत्व पर जोर दिया।